रंगस्थलम 1985 2018 में रिलीज हुई यह तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसमें 1980 के दशक के समय की कहानी दिखाई गई है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं रामचरण एस चिट्टी बाबू, समानता एस रामलक्ष्मी, अधि एस कुमार बाबू, जगतपति एस प्रेसिडेंट फणीन्द्र भूपति, प्रकाश राज एस दक्षिणामूर्ति, अनसुया एस कोली रंगम्मा। दोस्तों इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म को 11 अवार्ड्स मिले और 10 बार यह नॉमिनेशंस में भी रही। रामचरण ने इसमें चिट्टी बाबू जैसे चैलेंजिंग रोल को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। कहानी दो भाइयों की है जो गांव के प्रेसिडेंट के आतंक व अन्याय का विरोध करते हैं, साथ ही गांव में हो रही रसमई हत्याओं का पता लगा के गांव को कठिनाइयों से दूर रखना चाहते हैं। वह किस हद तक सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, यही फिल्म की कहानी है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की। फिल्म शुरू होते ही देखने को मिलता है कि फिल्म का मेन हीरो चिट्टी बाबू साइकिल से तेजी से मंत्री दक्षिणामूर्ति से मिलने के लिए जा रहा होता है और उसके वहां पहुंचने से पहले ही एक ट्रक मंत्री दक्षिणामूर्ति के कार को पीछे से टक्कर मारती है और वह घायल हो जाते हैं। चिट्टी बाबू उन्हें अस्पताल लेकर जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें बहुत गंभीर चोट लगी है और वह कोमा में है। यह सुनकर चिट्टी बाबू हक्का बक्का रह जाता है। फिर चिट्टी बाबू फ्लैशबैक में जाता है और अब तक की हो चुकी बातों के बारे में बताता है। चिट्टी बाबू बताता है कि कुछ दिन पहले उसे एक सांप ने काटा था और वह उसे गांव के पास की झाड़ियों में ढूंढता है और जब भी वह उस सांप को ढूंढने जाता है तो उसे उन झाड़ियों में कुछ न कुछ सामान मिल जाता है। इस बार उसे एक घड़ी मिली है। चिट्टी बाबू बताता है कि वह किसी की नहीं सुनता क्योंकि वह थोड़ा बहरा है, उसे केवल तेज आवाज ही सुनाई देती है। गांव में जब खेतों में किसी को पानी की जरूरत होती है तो उसे ही याद किया जाता है क्योंकि वह खेतों में पानी चलाने का काम करता है। झाड़ियों में मिली घड़ी को वह रंगम्मा को दे देता है और बताता है कि रंगम्मा आंटी गांव के सभी मदद मांगने वालों की मदद करती हैं और उनकी आवाज बहुत तेज है जिससे चिट्टी बाबू उनकी बात आसानी से सुन लेता है। वह रंगम्मा आंटी को घड़ी देता है और कहता है कि इसके 100 रुपए दे दें। इस पे रंगम्मा उसे 100 रुपए दे देती है, साथ ही उसकी कलाई पर घड़ी भी बांध देती है। उस गांव के प्रेसिडेंट के आदमी बुल्ला नरसिम्हा के खेत पर जाते हैं और उससे यह कह कि उसने सोसाइटी का कर्ज अदा नहीं किया है उसकी सारी मक्के की खेती के पैसे ले लेते हैं। प्रेसिडेंट का आदमी सेसु नायडू नरसिम्हा की बेटी के बारे में गलत बात बोलता है जिसपे नरसिम्हा का बेटा गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन उसकी लाश गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद वहां प्रेसिडेंट ट्रैक्टर से आता है और लाश के क्रिया कर्म के लिए नरसिम्हा को पैसा देता है जिस पर नरसिम्हा प्रेसिडेंट को धन्यवाद करता है। चिट्टी बाबू बताता है कि प्रेसिडेंट 30 सालों से सर्व समिति का चुनाव जीतते आ रहा है। चिट्टी बाबू बताता है कि अब तो इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता है। हमारे गांव में 30 सालों से एक ही पार्टी और एक ही झंडा है। प्रेसिडेंट शब्द ही यहां का कानून है। सिर्फ इनके सामने ही नहीं, इनके घर के सामने से भी कोई चप्पल पहनकर नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट को रेडियो सुनना बहुत पसंद है और वो माता के बहुत बड़े भक्त हैं। इसी वजह से उनमें शक्तियां आ गई हैं और कोई भी उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इस बार भी चुनाव प्रेसिडेंट ने बिना किसी विपक्ष के ही जीत लिया है। इसके बाद चिट्टी बाबू बस स्टेशन जाता है क्योंकि एक साल बाद उसका भाई कुमार बाबू दुबई से आता है। चिट्टी बाबू उससे नाराज रहता है क्योंकि दुबई जाने से पहले दोनों में नोकझोंक हुई थी क्योंकि चिट्टी ने उनकी शर्ट पहन ली थी। चिट्टी के भैया गांव में पहुंचते ही देखते हैं कि प्रेसिडेंट का आदमी शेषु नायडू एक परिवार को कर्ज न भरने पर उनके घर के सामान को बाहर फेंक रहा होता है। वह उसे 1000 रुपए देते हैं जिसे लेकर शेषु नायडू वहां से जाते हुए कहता है कि इस गांव में लोग खाना खाए बिना जी सकते हैं पर कर्ज चुकाए बिना नहीं। घर पहुंचकर चिट्टी के भैया उसे एक सनग्लास देते हैं जिस पर चिट्टी बाबू काफी खुश हो जाता है। इसके बाद चिट्टी बाबू अपने भाई कुमार बाबू के साथ एक लेडीज हॉस्टल में जाता है जहां चिट्टी बाबू के भाई कुमार बाबू अपनी गर्लफ्रेंड पद्मा से मिलते हैं और मिलकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन BDO ऑफिसर प्रेसिडेंट से मिलने आता है। वो दरवाजे पर अपने चप्पल उतारता है और प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट अपने नौकर से कहकर उसे चाय पीने को देते हैं। BDO बताता है कि उसने गांव के 40 घरों के कागज साथ लाए हैं, साथ ही उसने वार्ड मेंबर रंगा स्वामी के लिए सब्सिडी पे बैलगाड़ी भी ले आया है। वह बताता है कि मवेशी किसानों के लिए DD लाया है जिसे वह उन्हें दे दे। पर प्रेसिडेंट का आदमी शेषु नायडू DD को कैश में बदलने को कहता है और उसे रिश्वत देता है। जब BDO ऑफिसर जाने लगता है तो शेषु नायडू कहता है कि चाय का ग्लास धोकर जाओ। BDO वहां से बाहर जाता है और किसानों के सामने रिश्वत के पैसे फेंक देता है और कहता है इस गांव को एक सही प्रेसिडेंट चाहिए, तुम लोग कब जागोगे। अगले दिन चिट्टी बाबू को कुछ लोग आवाज लगाते हैं कि एक सांप इधर है। इस पर चिट्टी बाबू उस सांप के पीछे उसे ढूंढने जाता है और अचानक वह वहां स्नान कर रही रामा लक्ष्मी के ताड़ के पत्तों से बने बाथरूम को गिरा देता है जिस पर रामा लक्ष्मी उसे बहुत भला बुरा कहती है पर चिट्टी बाबू को उसे देखकर प्यार हो जाता है।
चिट्टी के भैया उसे सुनने की मशीन लगवा देते हैं, जिस पर चिट्टी कहता है कि इस मशीन से सबको पता चल जाएगा कि वह बहरा है। यह कहके वह मशीन अपने भाई को दे देता है। चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी के बारे में रंगम्मा को बताता है कि वह बहुत सुंदर है। उसी समय रामा लक्ष्मी आती है और चिट्टी बाबू से कहती है कि वह उसके खेत में पानी चला दे। चिट्टी बाबू नहीं सुन पाता है, पर रंगम्मा आंटी उसे बताती है कि तुम्हें रामा लक्ष्मी के खेत में पानी चलाना है। अगले दिन चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी के खेत में पानी देने जाता है। जब रामा लक्ष्मी उससे बात करने आती है तो वह इंजन के पास खड़ा हो जाता है और रामा लक्ष्मी से जोर से बोलने को कहता है, जिससे वह अपना बहरापन छिपा सके। अगले दिन चिट्टी बाबू गांव के मेले में जाता है, जहां वह रामा लक्ष्मी से इंजन के पैसे मांगता है। रामा लक्ष्मी उसे 100 रुपए देती है और बाकी के 20 रुपए चिट्टी से मांगती है, पर वह न सुन पाने की वजह से समझ नहीं पाता। फिर वह रामा लक्ष्मी को चुटकी काटता है, जिससे रामा लक्ष्मी जोर से बोलती है कि 100 रुपए देकर 20 मांगा तो चुटकी क्यों काट रहे हो। रामा लक्ष्मी के कहने पर चिट्टी बाबू उसे चूड़ियां दिलाता है। उसी समय काशी नाम के व्यक्ति के 2 भाई रामा लक्ष्मी और चिट्टी बाबू के बारे में गलत बोलते हैं। इस पर चिट्टी बाबू सुन नहीं पाता, फिर रामा लक्ष्मी गुस्सा होकर चली जाती है। इस पर चिट्टी बाबू अपने दोस्त महिषा से कहता है कि काशी के भाइयों ने कुछ तो गलत कहा है, जिससे रामा लक्ष्मी गुस्सा हो गई है। वह काशी के दोनों भाइयों को मारता है, जिससे वह चिल्लाकर माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां काशी आ जाता है और चिट्टी बाबू के भैया भी आ जाते हैं। उन लोगों में काफी लड़ाई होती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट माता के दर्शन को आता है और वह सब झगड़ा छोड़ के किनारे हो जाते हैं। चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी को चूड़ियां देता है और वह उन्हें रख लेती है। अगले दिन गांव के पुल पर रामा लक्ष्मी चिट्टी बाबू से पूछती है कि उसने काशी के भाइयों को क्यों मारा, पर चिट्टी बाबू समझ नहीं पाता है। उसी समय एक जीप में कुछ लोग उन दोनों के पास रुकते हैं। जीप में से एक व्यक्ति चिट्टी बाबू से जोर से बोलकर पूछता है कि उन्हें एक पते पर जाना है, क्या वह उन्हें वह पता बता सकता है। चिट्टी बाबू उसे कहता है कि रुको, और रामा लक्ष्मी से कहता कि बताओ क्या कह रही थी। रामा लक्ष्मी चिट्टी बाबू से कहती है कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। चिट्टी बाबू समझ नहीं पाता है और कहता है कि उसे और भी काम है। यह कहकर वह जीप में चढ़ जाता है और एक होटल पर जीप रुकवाता है और अपने दोस्त महिषा से कहता है कि पुल पर रामा लक्ष्मी ने मुझसे कुछ कहा था, जरा इस जीप में बैठे आदमी से पूछो कि उसने क्या कहा था। इस पर महिषा उस आदमी से पूछता है कि उस लड़की ने इससे क्या कहा, तो वह व्यक्ति बताता है कि वह कह रही थी कि वो इससे प्यार करती है, क्या यह उससे शादी करेगा, अगर हाँ तो रात में उसके घर जाए। यह बात चिट्टी का दोस्त उसे बताता है तो चिट्टी बाबू बहुत खुश हो जाता है। महिषा जीप वालों से कहता है कि चलो तुम्हें पते पर पहुंचा दूं। चिट्टी बाबू रात को रामा लक्ष्मी से मिलने जाता है और अनजाने में उसके घर के सारे सामान गिराते हुए जाता है। उसे पता भी नहीं चलता है और घर के सभी लोग जग जाते हैं। चिट्टी बाबू रामा लक्ष्मी से प्यार का इजहार करता है, पर पीछे सभी लोग रहते हैं। इस वजह से रामा लक्ष्मी उसे थप्पड़ मार देती है। रामा लक्ष्मी के घर वाले चिट्टी को वहां से भगा देते हैं। वह रंगम्मा के साथ चला जाता है। फिर दोनों बहुत दारू पीते हैं। चिट्टी बाबू सोमराज नाम के व्यक्ति से मिलता है और उससे कहता है कि चाचा मेरे इंजन के पैसे दो। इस पे वह व्यक्ति चिट्टी को पैसे देता है और कहता है कि सोसाइटी ने उसकी फसल के बाद अब जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे तंग आकर वह खुदकुशी करने जा रहा है। चिट्टी बाबू समझ नहीं पाता है और आगे बढ़ जाता है। वह व्यक्ति गोदावरी नदी में कूद जाता है, पर चिट्टी बाबू उसे बचा लेता है। काफी लोग वहां जमा हो जाते हैं। वह व्यक्ति चिट्टी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गोदावरी में कूदा हूँ। इस पर चिट्टी बाबू कहता है कि मैं आवाज भले नहीं सुन पाया, पर आपकी आंखों में आंसू देख लिया, मुझे शक था इसलिए मैं आपके पीछे आया और आपको बचा लिया। चिट्टी बाबू के भाई कुमार बाबू इसकी वजह पूछते हैं तो रंगम्मा बताती है कि सोसाइटी वालों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उस समय रामा लक्ष्मी वहां रहती है और वह समझ जाती है कि चिट्टी बाबू ऊंचा सुनता है। वह चिट्टी बाबू का मजाक उड़ाती है। इस पर चिट्टी बाबू कहता है कि अब तो वह जान गई है ना। कुमार बाबू सोसाइटी के घपलों को जान जाता है। वह सेक्रेटरी से बताता है कि रामा लक्ष्मी ने 10,000 रुपए कर्ज लिया था और डायरी में 20,000 रुपए लिखा हुआ है। इस पर दोनों में हाथापाई हो जाती है। मामला पंचायत में प्रेसिडेंट के सामने जाता है। प्रेसिडेंट के सामने रामा लक्ष्मी बताती है कि उसने कर्ज 10,000 रुपए लिया था और वह 6ठी क्लास तक पढ़ी है। इस पर सब हंसने लगते हैं। इस पर चिट्टी बाबू अपने दोस्त महिषा से कहता है, अभी तो मैं हंस लेता हूँ, बाद में मुझे बताना कि रामा लक्ष्मी ने क्या कहा। रामा लक्ष्मी का पिता सेसु नायडू के डर से झूठ बोलता है कि मैंने सोसाइटी से 20,000 रुपए लिए थे। इस पर प्रेसिडेंट कुमार बाबू के पिता कोटेश्वर राव को सोसाइटी को 20,000 रुपए जुर्माना भरने को कहता है, क्योंकि उनके बेटे ने सोसाइटी के क्लर्क पर हाथ उठाया है। कोटेश्वर राव कहते हैं कि इतने पैसे वह कहां से लाएंगे। इस पर सोसाइटी का मेंबर कहता है कि उनके पास 2 एकड़ जमीन जो है उसे बेचकर। इस पर सेसु नायडू कहता है कि वह जमीन चिट्टी बाबू की दादी को प्रेसिडेंट के पिता ने गलत काम करने पर दिया था।
इसके बाद कोटेश्वर अपने घर आ जाते हैं और खाना तक नहीं खाते। इधर खाना खाने के बाद चिट्टी बाबू गांव की एक दुकान पर जाता है और अपने दोस्त महिषा से पंचायत में हुए फैसले के बारे में पूछता है। इस पर महिषा उसे सब कुछ बता देता है। यह जानने के बाद चिट्टी बाबू गुस्से में आ जाता है और शेषु नायडू को बुरी तरह पीटता है। कुमार बाबू उसे वहां से लेकर घर चला जाता है। अगले दिन रामा लक्ष्मी चिट्टी बाबू से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे माफी मांगती है। उसी समय पुलिस आ जाती है और प्रेसिडेंट के आदमी को मारने के जुर्म में चिट्टी बाबू को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे टॉर्चर करती है। कुमार बाबू प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। प्रेसिडेंट उसे छाछ पीने को कहते हैं। कुमार बाबू छाछ पीने के बाद प्रेसिडेंट से उसके भाई को पुलिस से बचाने की बात करता है, पर प्रेसिडेंट कहता है कि उसके भाई को उससे नहीं उलझना चाहिए था, और प्रेसिडेंट घर में चला जाता है। कुमार बाबू जाने लगता है तो उसे एक व्यक्ति ग्लास धोकर जाने को कहता है। 3 दिन बाद चिट्टी बाबू की जमानत होती है और उसे 3 दिन तक पुलिस वालों ने खाना पीना नहीं दिया था, जिससे बाहर निकलते ही वह खाना खाने लगता है। कुमार बाबू अपने भाई चिट्टी बाबू के साथ बीडीओ ऑफिसर से मिलता है और रंगस्थलम गांव से नए प्रेसिडेंट का नामांकन भरता है। इसके बाद चिट्टी बाबू और उसके भाई कुमार बाबू प्रेसिडेंट के यहां जाते हैं और उसे चुनाव में उतरने की जानकारी देते हैं। चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट को चिढ़ाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि रंगस्थलम को नया झंडा और नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है, भक्ति साहेब। कुमार बाबू और चिट्टी बाबू एमएलए दक्षिणा मूर्ति से मिलते हैं, जिन्होंने चिट्टी बाबू की जमानत कराई थी। दक्षिणा मूर्ति उन्हें चुनाव में मदद का भरोसा देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वर्तमान समय में डॉक्टर्स कहते हैं कि दक्षिणा मूर्ति कोमा से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए इलाज बंद करना होगा जिससे उनकी आत्मा शरीर त्याग सके। डॉक्टर्स दक्षिणा मूर्ति के परिवार वालों से साइन मांगते हैं और वो लोग लाचार होकर साइन करने को तैयार हो जाते हैं। इस पर चिट्टी बाबू कहता है कि आप लोग साइन मत करिए, दवा चलने दीजिए, मैं इनकी देखभाल करूंगा। आप यह सोच के चले जाइए कि यह नहीं रहे, अगर ये ठीक हो जाए तो आप लोग आ जाइएगा। चिट्टी बाबू उनकी सेवा में लग जाता है। वह गीले टॉवल से शरीर को साफ करता है, उनकी सेविंग करता है और दक्षिणा मूर्ति की सेवा में लगा रहता है। उससे मिलने उसके परिवार के लोग आते हैं और उसे घर लौटने को कहते हैं, पर चिट्टी बाबू मना कर देता है और कहता है कि मंत्री जी ने उसका हमेशा साथ दिया है और वह उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता है। वह अपने परिवार के लोगों को घर जाने को कहता है। फिर चिट्टी बाबू फ्लैशबैक में जाता है और रामा लक्ष्मी से मिलना याद करता है। एक व्यक्ति उसे डराता है कि रंगस्थलम में जो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ गया है उसका किरदार खत्म हो गया है। यह सुनकर वह अपने भैया के पीछे जाता है, जो उस समय अपनी गर्लफ्रेंड पद्मा से मिल रहा होता है। अगले दिन कुमार बाबू गांव के कुछ लोगों को वार्ड सदस्य बनने के लिए नामांकन भरने को कहता है, पर कोई तैयार नहीं होता है। दक्षिणा मूर्ति के सुझाव पर कुमार बाबू सोसाइटी के घपलों की पोल खोल देता है, जिससे गांव वालों को प्रेसिडेंट के गलत कामों का पता चलता है। इस वजह से कई लोग नामांकन भरने को तैयार हो जाते हैं। कुमार बाबू काशी से मिलता है और उसे भी नामांकन भरने को कहता है। इस पर काशी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुमार बाबू यह सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, वह गाँव की भलाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ खड़ा होता है, प्रेसिडेंट उन्हें मरवा देता है। वह बताती है कि तेरे अंकल यानी मेरे पति भी तेरे भाई की तरह ही प्रेसिडेंट के खिलाफ गए और दुबई से जब वापस आए तो रास्ते में झाड़ियों में ही उन्हें मार डाला गया, और जो घड़ी चिट्ठी लाया था वह उसके पति की ही थी। रंगम्मा आंटी बताती है कि जो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ गया वो मारा गया, भले ही मौत के तरीके अलग हों पर कारण एक ही है, प्रेसिडेंट। यह सुनकर चिट्ठी डर जाता है। इसके बाद अगले दिन चुनाव प्रचार के लिए गांव में दक्षिणा मूर्ति आते हैं। वह कुमार बाबू को चुनाव में अपनी पार्टी से खड़े होने के लिए बधाई देते हैं। ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है, जिसे देखकर चिट्टी उस पर हमला करता है, क्योंकि उसे लगता है वो कहीं भैया को तो मारने नहीं आया है। स्टेज पर मौजूद सभी लोग चिट्टी को रोकते हैं तो वह कहता है कि उसे लगा कि वह भैया को मारना चाहता है। इस पर दक्षिणा मूर्ति कहते हैं कि यह मेरा आदमी है और यह मेरे लिए कॉफी लाया है। दक्षिणा मूर्ति कुमार बाबू को डांटते हुए कहते हैं कि अगर इतना डर है तो चुनाव कैसे लड़ोगे, और वो वहां से चले जाते हैं। कुमार बाबू चिट्टी को चुनाव से दूर रहने के लिए कहता है और आगे चुनाव के लिए काशी को जिम्मेदारी सौंप देता है। अगली सुबह कुमार बाबू को पता चलता है कि उसके साथ नामांकन भरने वाले लोग अपना नामांकन वापस करने जा रहे हैं। इस पर कुमार बाबू उन लोगों से मिलने पहुंचता है तो वो लोग बताते हैं कि चिट्टी बाबू ने प्रेसिडेंट से पैसे लिए हैं। यह पता चलने पर कुमार बाबू उन लोगों के साथ घर पर आता है और अपनी गर्दन पर चाकू रखकर चिट्टी से पूछता है कि क्या उसने प्रेसिडेंट से पैसे लिए हैं, तो चिट्टी कहता है हाँ। इस पर उसके पिता कहते हैं कि बहरे घर से बाहर हो जा। फिर चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो पूजा कर रहा होता है। चिट्टी प्रेसिडेंट से कहता
कहता है कि मुझे लगा पैसा लेने पर गांव वाले अपना नामांकन वापस ले लेंगे और मेरे भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पर उन्होंने अपने गले पर चाकू रख लिया, अब वो चुनाव लड़ेंगे। वह प्रेसिडेंट को पैसा वापस दे देता है और कहता है कि उनकी शक्तियों ने बहुत से लोगों की जान ली है, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता है, पर इस बार आप उन शक्तियों से कह देना कि कुमार बाबू का एक भाई भी है, उन शक्तियों को सबसे पहले उससे पार पाना होगा। उसी समय चिट्टी बाबू को चाय पीने को मिलता है। वह चाय पीकर जैसे ही जाने लगता है, एक व्यक्ति कहता है कि ग्लास धोकर जाओ। इस पर चिट्टी बाबू गुस्से में आकर पत्थर से उस ग्लास को तोड़ देता है। इधर रामा लक्ष्मी की शादी किसी और से होने वाली होती है। वहां जाकर चिट्टी कहता है कि वह उसे बहुत चाहता है, पर उससे भी ज्यादा वह अपने भैया को चाहता है और उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगा। इस पर रामा लक्ष्मी अपने पिता के विरुद्ध जाकर शादी करने से मना कर देती है। रात को चिट्टी घर पर जाता है और घर से निकाले जाने के कारण घर के बाहर ही नौटंकी करता है। रामा लक्ष्मी उसे खाना खिलाने लगती है, फिर सभी लोग आ जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसी समय महिषा आता है और चिट्टी को गांव में नाच गाने में ले जाता है। नाच गाने के बीच महिषा चिट्टी को बताता है कि गांव में एक आदमी आया है और वह ढेर सारे टिफिन लिए हुए है। जब चिट्टी वहाँ पहुँचता है तो उन लोगों से पूछता है, तो वह जोर से उसे बताते हैं कि वह फसल काटने आए हैं। इस पर चिट्टी समझ जाता है कि ये बाहर के लोग होकर भी कैसे जानते हैं कि वह ऊंचा सुनता है। चिट्टी उनको मारता है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। चिट्टी देखता है कि वह चार ही थे, पर डिब्बे कई हैं। इसका मतलब है कि और भी लोग हैं। इस पर चिट्टी महिषा से पूछता है कि भैया कहाँ है। इस पर वह बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड पद्मा से मिलने गए हैं। वह तुरंत गांव के बाहर झाड़ियों में जाता है, जहां वह देखता है कि कुछ लोग उसके भैया पर हमला कर रहे हैं। चिट्टी उन लोगों को मारता है और अपने भैया को बचा लेता है। फिर वह भैया को लेकर एक दुकान पर जाता है। वहां भैया को बैठाता है और उनके जख्म पे हल्दी लगाने के लिए बगल में जाता है, और जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि उसके भैया के गले को किसी ने काट दिया है। वह भैया से पूछता है कि ये किसने किया। वह कुछ कहना चाहते हैं पर उसके भैया की आवाज उसे सुनाई नहीं देती, बस होंठ हिलते हुए दिखता है। फिर उसके भैया शरीर त्याग देते हैं। चिट्टी अपने भाई की लाश को कंधे पे लेकर घर जाता है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग मिलकर कुमार बाबू का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद चिट्टी काशी और सभी गांव वाले प्रेसिडेंट को मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं, पर प्रेसिडेंट वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर रंगम्मा आंटी को गांव का प्रेसिडेंट बना देते हैं। इसके बाद रंगम्मा आंटी के साथ पूरा गांव देवी की पूजा के लिए जाता है, जहां ढेर सारे भक्त श्रीमन नारायण नाम का जाप कर रहे होते हैं। चिट्टी उनके होठों को ध्यान से देखता है और अपने भैया द्वारा कहे गए नाम को सोचता है, तो उसे पता चलता है कि उसके भैया ने जो नाम लिया था वह भी श्रीमन नारायण ही था। इसके बाद वह मंत्री दक्षिणामूर्ति को कॉल करता है, लेकिन उसके बाद दक्षिणामूर्ति के पीए से होती है। इसके बाद वह दक्षिणामूर्ति से मिलने जाता है। ठीक उसी समय दक्षिणामूर्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और चिट्टी बाबू दक्षिणामूर्ति की सेवा कर रहा होता है। दक्षिणामूर्ति जी होश में आते हैं और उनका परिवार वहां आकर उन्हें घर ले जाता है। डॉक्टर्स चिट्टी बाबू को बधाई देते हैं कि उसी के विश्वास की वजह से यह सब हुआ और 2 महीनों बाद दक्षिणामूर्ति जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 महीने बाद चिट्टी बाबू रामालक्ष्मी के साथ दक्षिणामूर्ति से मिलने जाता है, जहां दक्षिणामूर्ति सबसे बताते हैं कि चिट्टी बाबू ने ही 2 साल उनकी सेवा की और उनकी जान बचाई है। दक्षिणामूर्ति बताते हैं कि अब वह और भी बड़े मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसी खुशी में पार्टी रखी है। चिट्टी दक्षिणामूर्ति से कहता है कि वह उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। दक्षिणामूर्ति सबको जाने को कहते हैं। चिट्टी उन्हें अपने साथ झोले में लाया हुआ गंगम्मा माता का प्रसाद देता है। दक्षिणामूर्ति उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कैसा है, तो चिट्टी कहता है वैसा ही है जैसा भैया चाहते थे। फिर दक्षिणामूर्ति पूछते हैं कि वह प्रेसिडेंट मिला या नहीं, तो चिट्टी बताता है कि काफी ढूंढने के बाद वह गांव के झाड़ियों में ही ठिकाना बनाकर छिपा था। उसे ढूंढ कर मैंने लाठी से पीट कर मार डाला, क्योंकि उसने गांव के कई लोगों को मारा था। इस पर दक्षिणामूर्ति कहते हैं कि उसे मारना न्याय था। इस पर चिट्टी बाबू कहता है कि उसको मारना न्याय था, पर आपको मेरे भैया को मारना तो न्याय बिल्कुल नहीं था सर। दक्षिणामूर्ति कहते हैं यह क्या कह रहे हो, मैं क्यों मारूंगा। इस पर चिट्ठी बताता है कि मेरे भैया ने जाने से पहले कुछ कहा था, पर मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं पाया। इससे पहले मुझे कभी बहरा होने का बुरा नहीं लगा था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक रास्ता दिखाया। उत्सव के दिन कुछ लोग गीत गा रहे थे, वो जो कह रहे थे और भैया ने जो बताया था वह बिल्कुल एक ही शब्द था, वह था श्रीमन नारायणा। बदकिस्मती से मेरे गाँव में श्रीमन नारायण नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, हम तो गंगा माँ के बच्चे हैं। चिट्टी बाबू कहता है कि शब्दों को मेरे कान में डालना मुश्किल है, पर एक बार चले गए तो उसमें से जाते नहीं। मैंने वह नाम आपके मुंह से ही सुना था सर। जब स्टेज पर हमला करने वाले व्यक्ति को मैंने रोका और आपने कहा कि यह श्रीमन नारायण है और यह मेरा आदमी है, मेरे लिए कॉफी लेकर आया है, और मरने से पहले श्रीमन नारायण ने आपके बारे में सब कुछ बताया। मेरे भैया आपकी छोटी बेटी पद्मा से प्यार करते थे ना, जब आपको पता चला आपने मेरी बेल करवाई, भैया को प्रेसिडेंट के खिलाफ खड़ा करवाया ताकि प्रेसिडेंट उन्हें मार सके या आप उसे मार के प्रेसिडेंट पर इल्जाम लगा सकें।
इस पर दक्षिणामूर्ति कहता है कि तेरे भैया की कोई औकात नहीं थी कि मेरी बेटी के साथ रहे, न तेरी कोई औकात है मेरे सामने। इस पर चिट्टी कहता है कि ये है आपका असली रूप मंत्री साहब। दक्षिणामूर्ति कहता है कि जब तुझे पता था कि यह सब मैंने किया तो मुझे बचाया क्यों। इस पर चिट्टी कहता है कि जब मुझे पता चला कि आपने मेरे भाई को मारा है तो मैं आया, पर उससे पहले आपको लॉरी ने कुचल दिया। घायल होने पर मैं आपको हॉस्पिटल ले गया, आपकी सेवा की, आपका टॉयलेट तक साफ किया। सेविंग करते समय कई बार मन किया कि आपको मार दूं, पर इससे मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। मेरे भैया कहते थे कि मुलजिम को भी फांसी बुखार में नहीं देते, सजा देने का मजा तब है जब वह पूरे होश में हो। अब आप जीना चाहते हैं, बड़े मंत्री बनने जा रहे हैं, आपको जीने की चाहत ज्यादा है, अब आपको मारना भी जायज होगा। यह कहकर चिट्टी दक्षिणामूर्ति को मार देता है और बाहर आके रामा लक्ष्मी के साथ चुपके से चला जाता है। यह था रंगस्थलम 1985 मूवी का फुल मूवी रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट व शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली मूवी रिव्यू की जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।